पता नहीं क्या जादू है कॉलेज लाइफ में, जहां अनजाने मिलते हैं और दोस्त बन जाते हैं जिंदगी भर के, जिनके साथ आप हंसते हैं रोते हैं पर जिंदगी जीना सीखते हैं। पर सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे वक्त में आपकी बजाते हैं और जब मुश्किल वक्त आता है वही छिछोरे आपके दरवाजे पर खड़े नजर आते हैं। किसी मंजिल की फिक्र नहीं थी, फिक्र करने की उम्र नहीं थी। याद है वो सुबह जिस दिन कॉलेज का पहला दिन था, खुश भी थे सहमे भी थे, नहीं पता था इस अनजान सी जगह क्या होगा। अभी अभी स्कूल खत्म हुआ ही था तो कॉलेज के नए सपने सजा रखे थे। अभी तक तो बस सुना ही था कि कॉलेज में ऐसा होता है वैसा होता है, पर आज हम उसे खुद महसूस करने जा रहे थे। सब नया नया सा लग रहा था, बिल्कुल वैसा जैसा सब कहते थे। वो पल याद है क्या जब पहली बार जाके क्लास में बैठे थे, एक स्माइल थी चेहरे पे, वो फर्स्ट ईयर वाला ग्लो जो होता है, टीचर्स ने भी आके डरा दिया था जिसको सीनियर्स कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। एक जोश था कुछ करने के लिए जो पता नहीं था कि आगे चल के खत्म हो जाएगा। तब तो बिल्कुल खूबसूरत बन के जाते थे, मालूम नहीं था कि ये मोह भी वक्त के साथ कम हो जाएगा। बस कुछ दिन की बात थी फिर तो दोस्त भी अपने जैसे मिल गए। थोड़े दिन घबराहट के बाद इस माहौल में हम सभी घुल गए। क्लास में कम अब बाहर ज्यादा रहना होता था, टाइम से कॉलेज पहुंच भी गए तो क्लास में देर से ही पहुंचना होता था। 10 बजे की क्लास में 10:30 तक पहुंच जाते थे, कोई यार अपना प्रॉक्सी लगवा देता था अगर कभी नहीं जा पाते थे। क्लास को छोड़ के बाहर कहीं भी घूमे चाहे कहीं पे बैठे ही, बस क्लास में नहीं बैठना था। क्लास में भी बैठ के मस्तियां ही होती थी, हमें कौन सा पढ़ना होता था। 10 मिनट के अंदर रेडी होने का जादू यहाँ से सीखा, अटेंडेंस के लिए मेडिकल के जुगाड़ का एक से एक तरीका। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन मिलकर कॉलेज को गालियां ना दी हो, सबसे परेशान हो के रोज रोज नई एप्लीकेशन ना लिखी हो, फैकल्टी की अटेंडेंस ना देने की धमकी, फिर कैबिन में जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। एक साथ कई सारी चीजों को मैनेज करना सीखा, जिंदगी का पहला सुट्टा भी यारो यही आके खींचा। चलती क्लास के बीच में ही मूवी का प्लान बन जाता था, किसी बोरिंग लेक्चर के लिए मास बंक का ख्याल आता था, दोस्त के रूम पे जाके चलती थी हुक्का पार्टी, सबसे आजाद थे मजा आता था जी कर ये आजादी। रात तो असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स बनाने में कटती थी, एग्जाम से एक रात पहले ही तो अपनी सारी किताबें निकलती थी, फिर सिलेबस पूछना, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आके लटकते थे। उसके बाद भी कोई चारा बचता नहीं था तो फर्रे ही बनाने पड़ते थे। मार्क्स की कोई टेंशन नहीं रहती थी, बस पास होना बनता था। जो टॉप मारता था उसकी कोई इज्जत ही नहीं, जिसकी बैक लगती थी वो चौड़ में घूमता था। क्लास में अलग अलग जानवरों की आवाज निकाल के पूरी क्लास का ध्यान भटकाना, फिर क्रश के पास नोट्स मांगने के लिए एकदम जेंटलमैन बन के जाना। क्लास में एक दो लोग ही पानी की बॉटल लाते थे, वही बॉटल्स पूरी क्लास में घूमती रहती थी, वो भगवान थे जो सबकी प्यास बुझाते थे। कैंटीन से चिप्स का पैकेट लाके बाहर थोड़ी ना खाना होता था, क्लास में लाकर सीट के नीचे बीच क्लास में दबाना होता था। प्रेजेंटेशन देते टाइम क्लास के सामने कितनी हालत खराब होती थी, टॉपिक के बारे में समझाने से ज्यादा तो स्टैंड अप कॉमेडी लगती थी। नोट्स मांगते मांगते दिल भी एक्सचेंज हो जाते थे, वैलेंटाइंस डे के पहले ही फिर फ्रेंड जोन भी हो जाते थे। कॉरिडोर्स में घूमते घूमते थकते कहाँ थे हम, लाइब्रेरी में तो नज़ारे देखने जाते थे, पढ़ते कहाँ थे हम, बात बात पे तो कॉलेज में फेस्ट होने लगते थे, उसके बीच में इंटरनल के यूनिट टेस्ट होने लगते थे, इंटरनल मार्क्स का नाम देकर हमसे क्या क्या करवाया जाता था, क्विज फाइल प्रोजेक्ट सब एक साथ बनवाया जाता था। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बदतमीजियाँ ही करते थे, टीचर्स की दिल से बहुत इज्जत भी करते थे। तभी तो वाइवा के टाइम पे ज्यादातर मौन व्रत ही होता था, बड़ों के सामने ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, हमने भी शुरू से यही सीखा था। असाइनमेंट भी अपना आखिरी दिन ही सबमिट होता था, डरने की क्या जरूरत थी, इधर पीटीएम थोड़ी ना होता था, क्लास का तो पता ही नहीं चला, मिनी मिलिशिया और पबजी में निकल गई, धीरे धीरे भनक ही नहीं लगी, अपनी आदत इतनी ज्यादा बदल गई, नोट्स बनाने की आदत ही भूल गए, मांगने की आदत जो लग गई थी, सब कुछ एक परिवार सा था, सबसे ऐसी दोस्ती जो हो गई थी।
तेरा यार सारे टुल हाथों में भांग जेबे गांजे से फुल महादेव के पुजारी कैसी दुनिया सारी देव के पुजारी महादेव के पुजारी कैसी दुनिया सारी महादेव के पुजारी। बच्चों तुम्हारे माम